हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का माइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएशन का। अभी जैसे सीट अलॉटमेंट हो गया है मास्टर्स के लिए, तो इसमें यूजी का हो, पीजी का हो, कोई भी कैंडिडेट हो, ये सभी के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए क्या मुझे जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में हम चले जाए, एनडीयू में जाए, सीएसएम जाए, मानव जाए, मेरठ में जाए, किस में जाए, और फिर उसके बाद तो कैसे इसका प्रोसेस क्या होगा। अगर मान लीजिए हम इन स्ट्रीम नहीं जाते हैं, क्या घर बैठे हो जाएगा? नहीं। आगे चलिए, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर एमएससी में वीडियो पे हमारे 100+ लाइक आए, तभी हम आपके आगे की शादी के सभी स्टेप और सभी के सभी गलतियां होने से बचाऊंगा। संस्थान में हमारे एजीटीए का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में। इसका फीस है 2499 रुपए। संपर्क करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है agree classes573, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको डिवाइडेशन कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। चार भाई हैं, चारों बंटवारा कर देते हैं। अभी इसको तीन रखेंगे, तीन जो हमारे नजर में हैं और अच्छे हैं, इन तीनों भाइयों को अलग करते हैं और बाकी एक को, चट्टा को अलग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। दूसरा देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ, और तीसरा देखेंगे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको बांदा में मिल गया फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको मिला है, इसको आप अपग्रेडेशन कैसे कराएं। फ्रूट साइंस मिला है, जिस दिन आपको जाना है एडमिशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी में, आपको एक तो जाना पड़ेगा। एडमिशन के लिए डेट क्या है? 5 से 7 डेट, ठीक है। 5 से 7 अगस्त 2023 में आपका ये डेट है, ठीक है। इस बीच में आपको जाकर के एडमिशन सीट सुनिश्चित करा लेना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेना है, टोटल फीस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जब आप सभी फीस प्रमाण पत्र के सहित, प्रमाण पत्र आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या है, एक प्रोफार्मा आपको वहां मांगना है, या फिर ये वो लोग पूछते हैं क्या आप अपग्रेडेशन कराएंगे, तो कह दीजिए हाँ। यदि आपको सीट संतुष्ट है सीट से अपने, तो बोल दीजिए नहीं कराना फिर आगे के लिए, क्यों दूसरे की सीट नुकसान करेंगे। यदि आप अपने सीट से संतुष्ट नहीं है, या फिर चाहते हैं कि हमको कहीं और सीट मिल जाए, या फिर फ्री मिला है तो पेड़ चाहते हैं कि पेड़ हमको सीएससी मिल जाए, बढ़िया सब्जेक्ट कोई अच्छा मिल जाए, रॉयल एंटोमोपैथो मिल जाए कुछ बढ़िया, मादर से बढ़िया है, ठीक है। यदि आप संतुष्ट हैं कि हमको बांधव है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपग्रेडेशन मत कराइए, आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यदि आप उसमें संतुष्ट हो जाएंगे तो आप अगली सीट के लिए अपग्रेडेशन का फॉर्म जब नहीं भरेंगे तो आप वहीं पर लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप अपग्रेडेशन का फॉर्म इनसे मांग कर एडमिशन यहाँ पर करा करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीट आपको मिल गई, फ्रूट साइंस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करा लिए, फिर उसके बाद आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा या फिर मांग लीजिएगा कि सर हमको अपग्रेडेशन कराना है, अपग्रेडेशन का फॉर्म हमको चाहिए, अपग्रेडेशन का फॉर्म आप ले लेंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर भरने के उपरांत इस डेट में आप सुनिश्चित आ जाएंगे अपने घर, फिर सेकंड काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, घर बैठे तब आपको नहीं जाना होगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको SBBP में आ गया, अब यहाँ से अपग्रेडेशन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी भरे, क्या ये हमारी सीट छूट जाएगी या नहीं, ये वाली जो फ्रूट साइंस की सीट है, मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या हुआ, फ्रूट साइंस यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में हमको नॉट अलॉटेड दिखा दिया, क्या ये हमारी सीट चली जाएगी? नहीं, ये सीट आपकी वही रहेगी पुरानी की पुरानी, ठीक है। अगर मान लीजिए सर हमको सेकंड काउंसलिंग में मेरठ में पैथोलॉजी मिल गया, पैथोलॉजी मिल गया, तो क्या हम ले लें या फिर ये हमारी सीट लॉक हो जाएगी या फिर ये रहेगी? तो देखिए NDAUT इस बार बहुत गेम खेल रहा है बढ़िया सा, आपकी कैरियर को भी चौपट कर देगा। इन द सेंस ये है कि फ्रूट साइंस की सीट से आप अगर यहाँ पर अलॉट हो गया, तो आप इसके पास
सकते हैं यहाँ से वापस, चाहे कि ध्रुव साइंस पे हम रह जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको तुरंत पहुंचा देगा पैथोलॉजी पे, जाओ केवल इसे उठा के दे देगा किसी और को, जाओ तुम भी मस्त रहो, तुम भी खुश रहो, वो भी खुश रहे। अगर आप चाहेंगे वहां से अब वापस आना तो इम्पॉसिबल है। अपग्रेडेशन एक बार होता है, वन टाइम होता है, इसके बाद आपका गेम खत्म। ठीक है, अब आ जाएगी चुट्टा को, देखते हैं बहुत धांधली किया है इसने, सीटें बेच दे रहा सीधे सीधे। यहाँ पर देखिए आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी सीट मिल गई आपको, यहाँ से अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं शीशे में, तो आप करा सकते हैं इजिली, सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। और अपग्रेडेशन मान लीजिए एक बार हो गया, जैसे एनडीयूटी से आप सीएसए जाना चाहते हैं और नॉट अलॉटेड आ गया, तो क्या थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन मौका एक बार होता है, अपग्रेडेशन आप करा सकते हैं। यदि सेकंड में नॉट अलॉटेड आ गया तब थर्ड में करा सकते हैं, अन्यथा की दशा में अगर आपको सेकंड में कोई और सीट मिल गई तो आप थर्ड काउंसलिंग के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और बस आपको यही जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।